हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन से हम सॉल्व करेंगे हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। बट मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें ऑटोमेटिकली आफ्टर डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। यानी हम टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे और सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकें। हमें ऐसे डिस्कस करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम डिस्कशन करेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मेरी कोशिश रहेगी हर एक क्वेश्चन के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप रिवाइज करते चले जाएं। मल्टीपल रिविजन होगा, उससे रिलेटेड MCQs होते चले जाएंगे, तो आपका जो टॉपिक से रिलेटेड रिविजन है वो भी मल्टीपल टाइम होता चला जाएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 2-way पार्टिसिपेशन रखें। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी होगा और अगर और इनपुट्स होंगे हम उसे कमेंट सेक्शन पे भी रेगुलर पार्टिसिपेटिव वे में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इसे हमें 2-way कम्युनिकेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है आज, ये क्वेश्चन है हमारा रिसेशन से रिलेटेड, ठीक है। रिसेशन टॉपिक है, एक स्टैटिक टॉपिक है, एग्जाम में क्यों आया और इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं इसकी बेसिक सी बातें। तो रिसेशन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो कोई भी टॉपिक हम देखेंगे, हम उसकी देखेंगे, तो हमारा आज का जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रिसेशन, ठीक है। ठीक है, तो रिसेशन में हमने पहला पॉइंटर देख लिया, मीनिंग क्या हो रही है इसकी, ठीक है। मीनिंग क्या है, तो रिसेशन हमें जब इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। मैं कुछ कुछ पॉइंट को बार बार रिपीट करूंगी, ठीक है, और बोल्ड वॉइस पे रिपीट करूंगी, उसे आपको माइंड में रखना है। इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही हमें कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रेक्शन किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इलास्टिक है ना आपके पास, रबर बैंड है, तो रबर बैंड जब एक ही डायरेक्शन की ओर जाता है, ठीक है, उसे आप क्लोजर लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका अपोजिट क्या है, एक्सपेंड, ठीक है, जब एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन हमारा जो रिसेशन का सिचुएशन है उसमें हमें सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या दिखती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखती है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम इसको फीचर्स के अंदर एक बेसिकली कवर अप कर लें ताकि आपको रिवीजन और माइंड में रखने में प्रॉब्लम ना हो, तो हमें देखने को मिलता है कि जो स्पेंडिंग है लोगों की वो फॉल होने लगती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें भाई कि स्पेंडिंग फॉल हो रही है, GDP फॉल हो रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट फॉल हो रहा है, तो हमें एक्चुअली में क्या देखने को मिल रहा है, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, लाइक आपका GDP हो गया, कंपनी का प्रॉफिट यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया, एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, ये सारे में हमें फॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक तो स्लो डाउन देखा, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन देखा और तीसरा क्या देखा, फॉल देखा, ठीक है। अब इसे सारी चीज़ें फॉल होती जा रही है, गिरती जा रही है, डिमांड नहीं हो रहा, आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है, सब चीज़ें गिर रही हैं। अब इसे डील कैसे करेंगे, डील तब होगा ये जब मनी आएगा मार्केट में, बहुत सारा पैसा ही पैसा होना चाहिए मार्केट में। तो ये बहुत सारा पैसा कैसे लाएंगे, ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप क्विकली बताएं मॉनेटरी पॉलिसी किसके पास रहती है, कौन डील करता है मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ज्यादा मनी इन्फ्यूज की जाए, यानी ज्यादा मनी डाली जाए, आपका क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी किसके कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ज्यादा पैसे इन्फ्यूज किए जाएं, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई उसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसे लाया जाए। अब ये कैसे होगा भाई, मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज की जाएगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बेसिक नॉलेज शेयर करूंगी, अदरवाइज स्टैटिक पोर्शन को भी हम काफी डिटेल में कवर अप करेंगे, तो आप इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो चलिए देखते हैं। हमने देखा हमें इंक्रीज करना है मनी
सप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इंक्रीज कर रहे हैं मनी सप्लाई। तो ये कैसे होगा, या तो हम रिड्यूस करें इंटरेस्ट रेट, यानी आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करे, ठीक है, या क्या होगा, सरकार जो है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी स्पेंडिंग, ठीक है, इंक्रीज करेगी अपनी स्पेंडिंग, या क्या होगा, इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी 2 मिनट में आपको, ठीक है, टैक्सेशन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। मैं चाहती हूँ ये सारी चीजें आपके अंदर खुद से आप फील करो कि हाँ, कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट, तो जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया, क्या किया, रिड्यूस, याद मत करना, समझते हैं, ठीक है, रिड्यूस किया जब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को जब गिराया गया, ठीक है, तो अब लोग जो है बैंकों के पास आ गए पैसे लेने, ठीक है, पैसा लेने आ गए, तो उनके हाथ में बहुत सारा अब पैसा हो गया, अब बहुत सारा पैसा हो गया तो वो बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो अब मनी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टैटिक पोर्शन में हमने इसे काफ़ी डिटेल में कवरेज करेंगे, तो आप प्लीज़ स्टैटिक पोर्शन की जो रिसेशन की टॉपिक है उसे आप डिटेल में प्रेफर कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंक्रीज करे, क्यों इंक्रीज करेगी, आपको खुद फील करना है कि भाई जब वो ज़्यादा जो है इंक्रीज कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है बहुत ज़्यादा ही सरकार, तो क्या होगा, हमें जो है ऑल जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, या टैक्सेशन है, टैक्स को अगर कम किया तो लोग अपना टैक्स रेट को कम किया या स्लैब एग्जेम्पशन स्लैब्स को बढ़ा दिए, तो क्या होगा, जब टैक्सेशन को कम किया गया तो लोग ज़्यादा जो है अपने पैसे बचा पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट भी दिखा पाएंगे, उससे खर्च करेंगे और इकोनॉमी में मनी दिखेगी हमें। ठीक है, तो ये हमने बेसिक आइडिया लिया कि भाई ये रिसेशन होता क्या है, ठीक है, रिसेशन का मतलब क्या है। जनरली अगर हम इकोनॉमिकल टर्म में अगर देखें कि रिसेशन होता क्या है, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन दिखता है, जिससे हमें दिखता है कि जो स्पेंडिंग है वो गिरती चली जा रही है। ठीक है, और ये हमें लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में ये जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होती हुई नज़र आती है। तो सारे इकोनॉमिक पैरामीटर फॉल हो रहे हैं, लेकिन हम लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में ये नोटिस करेंगे, ठीक है, कि ग्रोथ फॉल हो रही है। ठीक है, ग्रोथ फॉल हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होता है। ठीक है, जहाँ पे बिजनेसेस के पास बहुत ही कम डिमांड रहती, उनका प्रॉफिट भी गिरता चला जाता है। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं रहते। ठीक है, और इसी वजह से जब कंपनीज के पास भाई डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है तो इनका प्रॉफिट भी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉल कर रहा है तो अब ये क्या करेंगे, अब कट करेंगे कॉस्ट को, कॉस्ट को गिराने के लिए अब ये क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपनी ले ऑफ करने लगती है। ठीक है, क्या करने लगती है, ले ऑफ करने लगती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है रिसेशन की, इसे बहुत ही जो है सीरियस वे में इसे टेकन केयर करना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ठीक है, तो हमें अगर कॉजेज देखने को मिले तो हाई इंटरेस्ट रेट है, डिफ्लेशन, एसेट बबल, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा रिसेशन होता क्या है, आप आई बिलीव आपने जो समझा कि एक्चुअली में रिसेशन होता क्या है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, कॉन्ट्रैक्शन है, सारी चीज़ें फॉल होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और लगभग 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार क्वार्टर में हमने सारी इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइन होती हुई नज़र आती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसमें ज़्यादा पैसे लाए जाते हैं, यानी जो है मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है। और ये कैसे होगा, जब जो है इंटरेस्ट रेट फॉल किया जाए, या सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, या टैक्सेशन को रिड्यूस किया जाए। क्वेश्चन आया क्यों एग्जाम में, ये तो हमने बेसिक सी बातें की, और भी डिटेल में हम इन सारी बेसिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन पे, बट मेरा यहाँ पे मोटिव था कि आप इस एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वाई इन एग्जाम, अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, आपने देखा कि जो है COVID-19 का जो सिचुएशन था, ठीक है, COVID-19 का जो सिचुएशन था, एक एपिडेमिक उसे डिक्लेयर किया गया, और ये
लॉकडाउन इकोनॉमी में देखना को मिला, ठीक है, जिससे डिमांड गिरी और जो है एक रिसेशन का फेस हमें देखने को मिला। तो इसी वजह से ये आपका रिसेशन का जो टॉपिक है आपके एग्जाम में रेज हुआ, ठीक है। तो आपने मीनिंग समझ ली, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को अब आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। आप ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो आप लेंगे एट द टाइम ऑफ रिसेशन, ठीक है। कट इन टैक्स रेट एकम्पेड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो भाई इंटरेस्ट रेट तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते। कट इन टैक्स रेट मतलब इंक्रीज इंटरेस्ट रेट क्या होगा भाई, और कम पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, टैक्स रेट आपने रिड्यूस किया, ए पॉइंट, टैक्स रेट आपने रिड्यूस किया, ठीक है, बट इंटरेस्ट रेट क्या है, इसने उन्हें बोला इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने से क्या है, लोग कम पैसा लेने जाएंगे ना, जब लोन महंगे मिलेंगे तो जाएंगे नहीं लोग, ठीक है। सो कट इन टैक्स रेट जो है और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो है वो क्रेडिट क्रंच क्रिएट करता है, कम जो है पैसे लाता है, तो वो रिसेशन के टाइम में डिजायरेबल नहीं रहेगा, रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तो पहला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि आप ये स्टेप तो लोगे नहीं, आपने खुद सॉल्व करना है, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। सेकेंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये एक टूल हो सकता है, ठीक है, कि रिसेशन के टाइम में जो है एक अच्छी साइकिल इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि जीडीपी हमारा बढ़ सके, गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है, इकोनॉमी में इनकम बढ़ सके, ठीक है, डिमांड बढ़ सके, ठीक है। तो हम ये स्टेप ले सकते हैं। तो अभी बी को हम होल्ड करेंगे, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाई जा रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स पे, नहीं सरकार ने। सी पॉइंट क्या है, इसको हम अभी होल्ड करते हैं बी को। इंक्रीज इन टैक्स रेट, क्या आपको लगता है टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो लोग पैसा लेने आएंगे, पहला ही पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्स रेट, ठीक है। तो इंक्रीज इन टैक्स रेट जो है, और साथ में इन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस। सो इंक्रीज इन टैक्स रेट साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो टैक्स रेट क्या है, ये नहीं रिसेशन के टाइम में होगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ेगा तो इनकम फॉल कर जाएगी, इनकम फॉल करेगी तो लोग और ही नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। लास्ट डी पॉइंट हम देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रिडक्शन यानी फॉल। तो जब रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर है तो ये रिसेशन के टाइम में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस किए तो वो आउटपुट पे कहाँ कंट्रीब्यूट कर पाएगी। तो आपको ऑटोमेटिकली आप ही को आता है कि आंसर आपका क्या होने वाला है, बी, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कर लूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। अगर आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं कर पाए हमारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद, प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजीज पे और ट्रिक्स पे और काम करें। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो प्लीज़ उसको भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स को सेम वे में कैरी फॉरवर्ड करें। तो आई होप आपने रिसेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, और डिटेल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम सेपरेट सेशंस में करेंगे, ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहे, हम और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। अब हम इसे कॉन्क्लूड करेंगे इंग्लिश में, तो जो हमारे व्यूअर्स इंग्लिश में अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, हम उसे डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक रिलेटेड टू अ रिसेशन, एंड इट्स माई प्रैक्टिस टू हेल्प यू टू लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, and I want you to do that particular question by your own self after the understanding of topic from my end, okay? So what is recession? It is very important to understand the term recession. So when we look into the exact picture about the recession, we see the slowdown, we see the contraction in economic activity. So I'm focusing on two important words, slowdown and contraction in economic activity. That means we see fall, a word fall, fall, fall. That means a fall in spending, and which leads to the recession. If we see fall from regular to consecutive quarters, we see recession. Okay. So with this, we see slowdown in economic activity, and which is hampering the growth of an economy. Okay. So we see these two important terms. So it's my request to keep these in your mind. Okay. So we see spending fall. Okay.
फॉल इन स्पेंडिंग एंड वी सी ऑल इकोनॉमिक एंड इंडिकेटर्स शोज अ फॉल, जीडीपी फॉल, कॉर्पोरेट प्रॉफिट फॉल, एम्प्लॉयमेंट फॉल एंड व्हेन वी यूज द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. ठीक है, सो डू नॉट डू द रेक्टिफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ द क्वेश्चन केम एम्प्लॉयमेंट फॉल इज ओके, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग ना बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन सिचुएशन. ठीक है, सो मनी, सो वॉट द स्टेप्स कैन बी टेकन टू क्रिएट दिस एंटायर मैस, टू क्लीन दिस मैस, टू टेकल दिस मैस of that is there is a need to lose the money through the monetary policy. Now you have a homework to tell me who is taking care about the monetary policy and how we will look into the entire picture. So monetary policy, through the monetary policy, what there is a system, there is an increase in money supply in the system. By increasing the money supply, how we can increase the money supply, let's see. We increase the money supply by reducing interest rate. How it can lead to an increase in money supply? Oh my God. So when you reduce interest rate, means when a government, a bank reduce interest rate, more people go to the bank, take loan, okay, and buy the products or build the houses or do whatever desired or do the businesses, okay. This create more money in the hand of public. So when the interest rate are reduced, more people go to the bank, take loan and use the money. Okay, or create the production, and with the increase in production, increase in employments. Okay, so we reduce the interest rate. It's my humble request, don't do rectification. Try to understand the facts, and if still you are facing any doubt, do ask in a comment section. Second, the government will increase the spending. Okay, so if there is a recession, what to do is the government will increase the spending, which increase the output. If output increase, demand increased, cost reduce, right? So this will lead to a more money in the economy. Okay, and the last is reduction in taxation. Okay, so when the tax is reduced, okay, income tax or any kind of tax or GST or whatever tax is reduced, what we can see, people buy more. Okay, and this will bring up more money. Okay, so taxation is a good answer to tackle with this problem. So we have reduced interest rate and reduction in taxation, reduce interest rate, reduction in taxation, and government spending increase. Okay, so why this question in your exam? So this question is because we have seen the COVID-19 situation, right? And that's why we have seen the recession fall from consecutive quarters. So we have seen fall in growth. Okay, this is a small picture that companies demand will reduce, their profit are reducing. So to if they profit reduce, they want to cut the cost, and to cut the cost, what they do, they lay off and unemployment will increase. Okay, so we learned about this particular concept about your recession. So let's solve the question, and I want you to solve this question. Which among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession? Cut in tax rate accompanied by increase in interest rate. So would you increase the interest rate? No, you reduce the interest rate so that more people come, take the loan and give more and more production, or people take more loan and do more buying. Okay, so you won't increase the interest rate, you reduce the interest rate. Okay, and you cut the tax rate, yes, you reduce the tax. Why? Because if the tax rate are lower, more demand we'll see. So A will be not there. So next we jump to the B point, increase in expenditure. Yes, government expenditure need to be increased so that output can be increased. So increase in expenditure is a possible solution. Let's see the C point, increase in tax rate. So when you increase in tax rate, people start showing their more income in the income tax return or GST related matter. No, if there are more, the things get more costly. If there is a more GST, things get costlier, so it will obviously impact the buying capacity of the buyer. So in there is no increase and reduction, yes, interest rate should be reduced so that more people come, take loan, increase the production, increase the profit, increase the employment. So this will be wrong. Reduction of expenditure. So if you reduce, if the government reduce the expenditure, so output will reduce, so it will not the solution. So what is the step
you take the increase in expenditure on public projects. So I hope you learned about the concept of on recession, and I hope you able to solve this question by your own self, because you know everything. I'm here just to connect the dots. Okay, तो आई होप आपने ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. रिसेशन को हमने क्विकली रिकॉल दे दिया, स्टैटिक पोर्शन को हम सेपरेटली कवर अप करेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर के कवर अप करेंगे, और उनके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी मल्टीपल रिवीजन देंगे ताकि आप भूल से भी उसे भूल ना सकें. टू वे कम्युनिकेशन होगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें ताकि आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे से कवरेज हो जाए. तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हम कवर अप करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑन इकोनॉमिक्स. स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.